विंध्याचल में नवरात्र मेला का आज प्रथम दिन श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। विंध्याचल में नवरात्र प्रारंभ होते दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची विंध्या धाम। कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लगी लंबी लाइन। चप्पलों से चप्पलों पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था। मंदिर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु पहुंचे विंध्या धाम। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए गौरव विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गौरव विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं मौजूद हूँ विंध्याचल क्षेत्र के विंध्या धाम में और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे श्रद्धालुओं का एकदम तांता लगा हुआ है, जो कि यहाँ लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग और दर्शन कर रहे हैं माता का और फिर जा रहे हैं। आपसे हम बता दें कि पुरानी जो है कथाओं में यहाँ का वर्णन हुआ कि आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के यहाँ जो है यहाँ पे माता रानी की जय करते हुए लोग जयकारा लगाते हुए अंदर जा रहे हैं दर्शन करने। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बहुत ही मतलब दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और इन लोगों का मनोकामना पूरा भी होता है। और हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो है कि कड़ी से कड़ी इंतजाम है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन हर चप्पे चप्पे पे तैनात है। मशीन से जो है सब कुछ चेक किया जा रहा है, उसके बाद सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद जो है मास्क लगा है उनको जो है अंदर हम ये बताइए, आज से नवरात्र प्रारंभ हो गया है और माँ विंध्यवासिनी में क्या व्यवस्था की गई है और आपके द्वारा क्या मतलब निरीक्षण किया गया? भोला भक्त का व्यक्त मिलता है तो उसको खाने नाने का रास्ता बताने का पहला दिन दर्शन करने आए हैं। और आज पहला दिन चूंकि नवरात्र अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण नवरात्र होता है, भीड़ जबरदस्त है, मंदिर कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर है, व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन माता रानी की कृपा है सब सही हो जाएगा। क्योंकि दर्शन पूजन बिना किए आदमी का कल्याण होता नहीं है, इसलिए हम लोग मंगलवारी हैं, मिर्जापुर में रहते हैं, माँ का दर्शन करते हैं और माँ की कृपा से आज हम लोग इस मुकाम पर है जहाँ माता रानी का पूरा आशीर्वाद है। सर, आप जो है राज्य मंत्री हैं तो यहाँ पे आने वाले बाहर से और श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, हम लोगों ने इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, आने जाने वालों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और दर्शन पूजन हर लोग स्वतंत्र भाव से करें। आज पहला दिन होने के नाते थोड़ी सी भीड़ है लेकिन दर्शन पूजन में कोई व्यवधान नहीं होगा, पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज से नवरात्र स्टार्ट हो गया है, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ पूर्ण रूप से व्यवस्था है कि किसी तरह से कोई भी यात्रियों को कष्ट न हो, उसी के तहत हम भी लगे हैं और यहाँ सीओ साहब लगे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से यात्रियों को दिक्कत न हो। हम स्वतः जाकर हर जगह व्यवस्था देख रहे हैं और आप देखिए कि अब हम लोग स्वतः ड्यूटी दे रहे हैं। श्रद्धालुओं द्वारा मास्क सैनिटाइजर पहन के नहीं आने पे क्या मंदिर प्रशासन के द्वारा उनको व्यवस्था किया जा रहा है या फिर टोका जा रहा है उनको? नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब सैलाब चलता है तो कुछ न कुछ दिक्कतें होता है। ये अलाउंस बराबर हो रहा है कि सभी लोग मास्क पहन कर चले, लेकिन अब इतना जब आया है तो कुछ न कुछ दिक्कत हो रहा है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था हर तरह से प्रशासन और सब किए हैं, मतलब रुकने का घाटों पर व्यवस्था आप देख लीजिए और जगह पुलिस व्यवस्था हमारी पूर्ण रूप से सबका व्यवस्था कर रही है, किधर से जाइए किधर से मत जाइए, और पंडा समाज के लोग भी कर रहे हैं। ठीक है सर, नमस्कार। ठीक,